हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, आज हम जिस विषय की बात करेंगे वो ये है कि भाई पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि जब सी आई एस एफ का फिजिकल कब होगा, किस तारीख होगा, तो अब उसी संबंध में हम बात करने जा रहे हैं कि सी आई एस एफ का जो है फिजिकल तो 1 जुलाई से स्टार्ट होगा, ये आपको बता दिया पहले ही। लेकिन उसके जो एडमिट कार्ड थे उसके बारे में कन्फर्म नहीं था कि एडमिट कार्ड कब आएंगे। जनरली जो एडमिट कार्ड है वो किसी भी इवेंट से, मतलब जब भी फिजिकल स्टार्ट होता है, 1 जुलाई से जैसे फिजिकल स्टार्ट है, तो उससे 3 सप्ताह पहले फिजिकल जारी किए जाते हैं। यानी अंदाजा ये था कि 15 जून के आसपास आपके सी आई एस एफ हेड कॉन्स्टेबल के जो है फिजिकल एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि कल ही मेरे पास आया है, किसी ने भेजा है, जो मेरे फ्रेंड है जो सी आई एस एफ में काम करते हैं, उन्होंने मेरे को भेजा, और उसी इन्फॉर्मेशन के आधार पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो सी आई एस एफ का जो फिजिकल है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन जो फिजिकल की एडमिट कार्ड हैं आपके वो 25 मई से आ जाएंगे, यानी इसी महीने की 25 तारीख से आपको एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि भाई स्टेटस कैसे चेक करेंगे, कैसे, मतलब जो आपका फॉर्म है वो एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो दोस्तों, सी आई एस एफ ऐसा कुछ भी लिंक प्रोवाइड नहीं करवाती कि आपको स्टेटस ये बताया जाए कि आपका फॉर्म एक्सेप्टेड है कि रिजेक्टेड है, इस प्रकार का यहाँ पे इसमें कोई मेरे ख्याल से कोई शेड्यूल होता नहीं है, मैंने तो देखा नहीं अब तक, ठीक है। तो इसी के आधार पे मैं कह सकता हूँ कि आपको केवल अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ होगा तो सीधा एडमिट कार्ड में आपका नाम आ जाएगा, नहीं हुआ होगा तो आपका एडमिट कार्ड है वो नहीं आएगा। मेरा ख्याल तो यही है, मेरा जो थॉट्स है, मेरा विचार यही है कि इसमें आपको इस प्रकार का कोई लिंक नहीं मिलता कि आप फॉर्म चेक करें कि आपका एक्सेप्ट हुआ था या रिजेक्ट हुआ था, इस प्रकार का नहीं मिलता। दूसरा, आपके अभी भी डाउट है कि हाइट इतनी है तो वेट कितना होना चाहिए, वेट इतना है तो हाइट कितनी होनी चाहिए, भाई आपका जो वेट है आपकी हाइट के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। यानी एक बैलेंस शरीर होना चाहिए, ये नहीं है कि आपकी हाइट बहुत कम है, वजन बहुत ज़्यादा ले रहे हो, या वजन बहुत कम है, हाइट बहुत ज़्यादा ले रहे हो, तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं होती। आपका शरीर बैलेंस होना चाहिए, यानी हाइट के अकॉर्डिंग ही आपका वेट होना चाहिए। मान लीजिए किसी का हाइट 170 सेंटीमीटर है तो उसका वेट है वो 85 केजी तक चल सकता है, यानी हाइयर जो कहें तो 85 केजी से अगर आप ज़्यादा वजन ले रहे हो तो आपको अनफिट घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए आप वजन को बैलेंस कीजिए। 25 मई इसी महीने की 25 तारीख को आपके एडमिट कार्ड आपको अवेलेबल हो जाएंगे, आपको एक महीना मिल जाएगा। 1 जुलाई से फिजिकल स्टार्ट हैं, एक महीने अच्छे से फिजिकल की तैयारी कर लीजिए। दूसरा, इसमें रनिंग नहीं है, ये मैंने आप रनिंग इसमें है नहीं, इसमें केवल आपका हाइट, चेस्ट, वेट, इस प्रकार से फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। इसमें रनिंग नहीं होती है, हाई जंप, लॉन्ग जंप कुछ नहीं होता है, ठीक है। दोस्तों, कई भाई पूछ रहे थे कि एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम की चिंता मत करो, पहले फिजिकल होगा। फिजिकल के अब जुलाई में आपका फिजिकल चलेगा, तो ये मान के चलिए सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका रिटर्न एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। उसका जो पैटर्न रहेगा वो यही रहेगा, SSC JD वाला। 25-25 के 4 सेक्शन मिलेंगे, मैथ, रीजनिंग, जीके और आपको रीजनिंग, और एक जो चौथा सेक्शन होता है वो हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल होता है। यानी 25 क्वेश्चन या तो आप इंग्लिश ही कर सकते हैं, हिंदी कर सकते हैं, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, वही चीज़ें, नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं। तो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने को था वो ये था कि आपके एडमिट कार्ड हैं वो 25 मई, यानी इसी महीने की 25 तारीख को अवेलेबल हो जाएंगे सी आई एस एफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। दोस्तों, तो अपनी तैयारी करिए, बेस्ट ऑफ लक।